1,75,00,000 सोने की चोरी में दो सगे भाई गिरफ्तार। मुंबई के चारको पुलिस स्टेशन की हद में मोमाई ज्वेलर्स कारखाने में कार की तिजोरी से 6 किलो 224 ग्राम सोने की चोरी और कारखाना जलाने के मामले में पश्चिम बंगाल के दो सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले दिन दोनों भाई ने कारखाने में काम करते वक्त उसी योजना के तहत सोने की चोरी की और कारखाने में आग लगाकर जलाने की कोशिश की, जिस पर ये लगे कि कारखाना का सोना जलकर राख हो गया, लेकिन कारखाने में किसी की वजह से आग पूरी तरह लग नहीं पाई और दोनों भाई चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों सगे भाइयों की तलाश पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, गुजरात, कर्नाटक और मुंबई से बिहार तक हर जगह तलाश की, लेकिन दोनों आरोपी बिहार के औरंगाबाद शहर में छिपे थे। पुलिस गुप्त सूचना के माध्यम से दोनों सगे भाई शौरिफ किरामत शेख और आरिफ किरामत शेख को बिहार के औरंगाबाद जिले के एक होटल से गिरफ्तार कर दोनों के पास से 4 किलो 282 ग्राम सोना बरामद किया है। पुलिस स्टेशन में 23 जनवरी को एक अर्ली मॉर्निंग एचबीटी हुई थी, जहां पे एक ज्वेलरी बनाने का कारखाना था जिसके अंदर तिजोरी तोड़ के ज्वेलरी निकाली गई थी और रॉ ज्वेलरी, और जाते वक्त उन्होंने उस कारखाने को आग लगाने की पूरी कोशिश की थी, स्टूल्स वगैरह जलाए थे। फॉर्चुनेटली वो आग फैली नहीं और ग्राउंड फ्लोर पे कुछ वर्कर सोए थे तो किसी को जीवित हानि हुई नहीं, लेकिन इन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी। इसमें टोटल जो माल गया है ये 6.2 किलो गोल्ड इन्होंने चुराया था और इसको तफ्तीश के लिए हमारे पास अक्यूज्ड दो नाम थे जो वहीं के एम्प्लॉयज थे, शरीफ शेख और आरिफ शेख, ये दोनों भाई है, और इनको तफ्तीश करने के लिए पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, गुजरात, कर्नाटक, मुंबई के सटे हुए जो एरिया है न्यू बॉम्बे, विरार, वसई, इन सारे एरियाज में हम लोगों ने छाना और तकरीबन 1.5 महीने के बाद ये अक्यूज्ड हाथ में मिले हैं। कल एपीआई सारून के और चौहान और उनकी टीम ने उनको परसों बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिहार पुलिस की मदद से उनको अरेस्ट किया है और हमने 4 किलो गोल्ड एज ऑफ नाउ 4.2 kgs of gold रिकवर किया है। तो इनका बैकग्राउंड क्या है, इसके पहले भी कुछ इस तरह के वारदात थे? ये वहां पहले भी एम्प्लॉय थे और इनको कुछ कारण से निकाला गया था और बाद में अभी फिर से इन्होंने पूरा प्लानिंग बना के ये ज्वाइन हुए और ज्वाइन होने के बाद इन्होंने ये इस वारदात को पूरा प्लानिंग से अंजाम दिया है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन क्यों वारदात की है, क्या निकाले जाने का बदला लिए या फिर कोई होता है? ये तो गेन के लिए, मतलब गोल्ड मिलने के लिए इन्होंने ये वारदात की। कितने लोग सर इस वारदात में शामिल है कुछ अभी? अभी फिलहाल 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, अभी तफ्तीश चल रही है, आज ही हमको पुलिस कस्टडी मिली है तो इसके बाद हम बता पाएंगे। क्या काम पे रखते हुए लोग इसकी जानकारी नहीं लेते हैं, उसकी वजह से ये सब मामले आगे आते हैं? ये हो सकता है, बट ये जो काम पे रखे हैं वो सारे एक ही विलेज के रहने वाले पश्चिम बंगाल में और वहां पे सारे पहचान वाले लोग ही रहे थे। ओके।